होम आइसोलेशन में रहने वाले कोविड-19 संक्रमितों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विशेष होम आइसोलेशन किट का वितरण हमीरपुर जिला में भी प्रारंभ किया गया है। जिला के सभी विधानसभा क्षेत्रों में ये किट्स प्रदान करने का अभियान आज से शुरू हुआ है। जिला मुख्यालय हमीरपुर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से स्थानीय विधायक नरेंद्र ठाकुर ने होम आइसोलेशन किट्स बांटने का यह अभियान शुरू किया। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेश सरकार कोविड-19 महामारी के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए कई ठोस कदम उठा रही है। इसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में अब कोविड-19 के नए मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों के स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं, ये प्रदेश सरकार की प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा कि ये होम आइसोलेशन किट घर में पृथकवास कर रहे संक्रमित लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। प्रत्येक किट में होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों के लिए निर्देशिका, थर्मामीटर, 54 प्राश, काढ़ा, सैनिटाइजर, मास्क, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, विटामिन सी तथा जिंक की गोलियां, आयुर्वेदिक दवाई, मुख्यमंत्री का पत्र, शीघ्र स्वास्थ्य लाभ संदेश का कार्ड और सभी वस्तुओं की सूची शामिल है। किट के साथ साथ हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक हर पेशेंट को अपनी तरफ से शुभकामना संदेश और स्वस्थ जल्द स्वस्थ लाभ होने का संदेश जो है वो उन्होंने दिया है, और साथ में एक कार्ड भी उन्होंने शुभकामनाओं सहित जल्द स्वस्थ लाभ की कामना की है, उसका भी इस किट में उन्होंने इसमें अपनी तरफ से हर पेशेंट को जो संदेश दिया है। और मैं ऐसा भी करूंगा कि पेशेंट जो गाइडलाइंस हैं उनका भी पूरा ध्यान पेशेंट तो करेंगे लेकिन आम पब्लिक भी करेगी। फिलहाल हमारे पास लगभग 630 किट्स जो हैं वो आ चुकी हैं, और टोटल हमारे जो इस वक्त जो पॉजिटिव इफेक्टेड केस है वो लगभग 2500 के करीब है। तो हमारे पास लगभग 1/4 से ज़्यादा जो है 1/4 किट्स हमारे पास आ गई हैं, और बाकी वो जल्दी वो हमारे यहाँ पहुँच जाएंगी। लेकिन मैं एक बार फिर सभी अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बीमारी जो है वो बहुत ही खतरनाक बीमारी है, और इसका बचाव जो है वो आप कंप्लीट जो मास्क जो है मास्क का पूरा प्रयोग करें और डिस्टेंस बना के, क्योंकि अपनी सिक्योरिटी हमें खुद करनी पड़ेगी। सरकार का काम है वो, अगर बीमारी फैल गई इलाज करना सरकार का, लेकिन बीमारी ना फैले इसके लिए सबसे ज़्यादा योगदान जो हमारा पर्सनल योगदान रहेगा। और मुझे आशा है कि आने वाले समय में आप सभी जो गाइडलाइंस हैं जो दी गई उसका पालन करेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू।